हे गाइस, तो आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट की। रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट को सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस एरो से डिनोट करते हैं। सो इस वाले एरो से रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट को डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पर रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट की कहानी को समझाने के लिए मैं सिंपल बात यहाँ पर समझाऊंगी। जैसे कि हम जब गरम गरम खाना फटाफट उठा लेते हैं, उस वक्त यह होता है उस अनस्टेबल खाने को, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने हाथ में ही या तो उछाल लेते हैं उसे फटाफट, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेजते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में भेजते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि वो बहुत गर्म होगा अगर हमने फटाफट तवे से उठा लिया समझो खाना, और बहुत गर्म है वो, और हमने उसे एक हाथ से दूसरे हाथ में भेजा क्योंकि वो बहुत गर्म है, और धीरे धीरे वो स्टेबल हो गया। तो मतलब कि हमने उसकी डीलोकलाइजेशन कराई, एक जगह से दूसरी जगह भेजा। बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि इस कंपाउंड के अंदर इसका एक स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का, जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला ये कंपाउंड है जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है और ये ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, मतलब कि ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। और इसी चीज़ को ऑल्टरनेटिवली का अपने डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंस होने को हम कहते हैं कंजुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड क्योंकि अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल है, स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इन पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन कराएंगे, मतलब कि दूसरी जगह भेजेंगे एक जगह से। तो यहाँ पर आप एरो को देख सकते हो, एरो शो कर रहा है कि पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया सिंगल बॉन्ड वाली जगह पे, और यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ गया, तो कैसा स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, कुछ ऐसा, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। अब वापस, क्योंकि पाई बॉन्ड अभी भी अनस्टेबल है, ये डीलोकलाइजेशन होती जाएगी, पाई बॉन्ड यहाँ से वहाँ आता जाएगा जिसे हम खाने को उछालते रहते अपने हाथ में, तो ये पाई बॉन्ड वापस यहाँ पर आएगा और ये वाला पाई बॉन्ड वापस जहाँ पे पहले से आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा। सो रेजोनेंस क्या है, व्हाट इज रेजोनेंस? सीधी भाषा में बोलूँ, सिंपल डेफिनेशन इसकी, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होते वक्त क्या होता है, ड्यूरिंग दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर ड्यूरिंग रेजोनेंस, कंपाउंड जिनके पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एक और दो स्ट्रक्चर्स बन गए कंपाउंड के, एक ही कंपाउंड है ना, क्योंकि इधर भी यही इसी कंपाउंड में हमारे कार्बन एटम्स की डीलोकलाइजेशन हो रही है, यहाँ पर भी 5 एटम्स, यहाँ पर भी 5 कार्बन एटम्स, तो एक ही कंपाउंड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, और यहाँ पर क्योंकि 2 स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, तो उनमें से एक, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इसको कंपाउंड को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को, जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कंपाउंड के रेजोनेंस के वक्त, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि रेजोनेंस हो रही है, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और फाइनली एक हमें कंपाउंड चाहिए, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से हम कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम उसे एक्सप्लेन कर सकें। तो उस एक स्ट्रक्चर को, उस एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर को, जो कि दोनों स्ट्रक्चर जिस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेंगे, एंड उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स इंक्लूड हो जाएंगे। ताकि रेजोनेंस हाइब्रिड को हम क्यों फाइनली कंसीडर कर रहे हैं, एक फाइनल स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं, ताकि हम जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन कर सके। और ये भी बहुत ध्यान रखना, और ज़रूरी नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक और दो, दो ही बने, दो से ज़्यादा भी बन सकते, जितने भी बन सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने बढ़ते जाएंगे, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाएंगे, एक से दो, दो से तीन, अगर जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
क्योंकि गर्म, जैसे गर्म गर्म खाना है उससे जितना ज़्यादा हम एक जगह से दूसरी जगह फेंकेंगे, मतलब फेंकना नहीं है, हाथ में ही उछालते रहेंगे क्योंकि बहुत गर्म है, एक जगह से दूसरी जगह हाथ में उछालते रहेंगे, जिस वजह से वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज करते जाएगी। एक और एग्जाम्पल, अच्छी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। हमारे पास ये कंपाउंड है MnO4, जिसे हम परमैंगनेट बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हो Mn ने ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर तीन ऑक्सीजन के साथ Mn ने डबल बॉन्ड बनाया है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। अब देखो कंपाउंड ने डबल बॉन्ड बनाया है मतलब कि पाई बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड मतलब कि सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल होता है, उसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। रोटेट क्यों हो रहे हैं ये पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड रोटेट स्टेबल होने के लिए हो रहे हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड है मतलब सिंगल बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसे रोटेट होने की कोई जरूरत नहीं। रोटेट जो होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड विल रोटेट, ओनली द पाई बॉन्ड विल रोटेट। सिग्मा बॉन्ड को कोई जरूरत नहीं है रोटेट करने की क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो घूमने का सारा काम किसका? पाई बॉन्ड का। एंड एक कंपाउंड ने एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पैदा कर दिए। यहाँ पर आप देख रहे हो MnO4 के कितने ज्यादा, 1, 2, 3, 4 स्ट्रक्चर्स बन गए। तो कोई भी स्ट्रक्चर, चारों में से कोई भी स्ट्रक्चर उसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कोई भी स्ट्रक्चर कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल फॉर्म्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स। फाइनली हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं जो कि चारों के चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जगह लेके उन चारों को एक साथ एक्सप्लेन कर देगा। उनकी मतलब कि जो हमारा परमैंगनेट है, एग्जांपल उसकी देख रहे हैं ना, तो उस परमैंगनेट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देगा ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि एक्सप्लेन कर लेगा उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को रिप्लेस कर दिया इस स्ट्रक्चर ने। मैं आपको समझाती हूँ इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये डॉटेड फॉर्म में जो आपको दिख रहा है ये सब क्या हो रहा है, हो रहा क्या एक्चुअली में, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है और एक लोन पे। यहाँ पर डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने लिखा डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, मतलब कि ऑक्सीजन, ताकि क्योंकि रोटेट करता जाएगा, घूमता जाएगा पाए इलेक्ट्रॉन, तो पाए इलेक्ट्रॉन जो है, पाए इलेक्ट्रॉन मतलब कि पाए इलेक्ट्रॉन किसके लिए बोल रहे हैं? डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। पाए बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड, एक से ज़्यादा बॉन्ड आ जाएगा जहाँ पर, हम उसे पाए बॉन्ड कहेंगे, और उसका इलेक्ट्रॉन, पाए इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डबल बॉन्ड से यहाँ पर